हाय एवरीवन, टिप्स इलेक्ट्रिकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सोलर पैनल का कनेक्शन डायरेक्ट लोड के साथ कैसे करेंगे और सोलर पैनल का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ साथ एसी सप्लाई के साथ कैसे करेंगे। तो ये सारे कनेक्शन को समझने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि सोलर पैनल का कनेक्शन डायरेक्ट लोड के साथ कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सोलर पैनल को लिया है, उसके बाद एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लिया है और उसके बाद एक लोड ले लिया। लोड के जगह पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम ले सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, यह आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है और सोलर पैनल और लोड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 6 पॉइंट दिया गया है। इसमें से 6 पॉइंट का कनेक्शन कैसे करना है अभी हम लोग समझने वाले हैं। इस 6 पॉइंट में से जो पहला 2 पॉइंट है वह बेसिकली इनपुट के लिए है और उसके बाद जो 2 पॉइंट दिया गया लास्ट का वो लोड को जाएगा और इसके बीच वाले जो 2 दिया गया है वो बैटरी के लिए जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सोलर पैनल से हमारे पास 2 वायर आती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो इसका कनेक्शन हम इस कंट्रोलर के इनपुट से करते हैं। तो प्लस के लिए हम रेड वायर का यूज करेंगे। तो इसका पहले वाला जो आता है वो हमारा रेड होता है, मतलब प्लस होता है। उसके बाद माइनस की कनेक्शन के लिए, न्यूट्रल की कनेक्शन के लिए हम ब्लैक वायर का यूज करेंगे। तो इसमें जो सेकेंड वाली है लेफ्ट साइड से वो बेसिकली माइनस का काम करता है। अब इसका जो 2 लास्ट का जो टर्मिनल है वह हमारा आउटपुट लोड के लिए है। तो इसका कनेक्शन हम रेड के लिए, रेड यूज करेंगे प्लस के लिए और इसको लोड से दे देंगे। उसी प्रकार से माइनस के लिए कनेक्शन हम ये लास्ट वाली जो टर्मिनल है राइट साइड वाली वो बेसिकली माइनस होता है। और इस प्रकार से जब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं तो यह नॉर्मल डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है और इस कंट्रोलर से हम कंट्रोल करके सोलर का कनेक्शन डायरेक्ट लोड के साथ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्शन को समझ पाए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये सोलर पैनल हमारा हमेशा वर्क नहीं करता है, जब इसमें सनलाइट रहता है तभी हम इस लोड को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम इस सोलर एनर्जी को एक बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फिर से बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो हमने एक बैटरी को ले लिया है, अब बैटरी का कनेक्शन हम इस कंट्रोलर के साथ करते हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि इसके जो बीच वाले 2 टर्मिनल होते हैं वह बैटरी को कनेक्शन करने के लिए होता है। तो बैटरी का प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट करेंगे और माइनस वाले को माइनस को कनेक्ट करेंगे। तो प्लस वाले को हम प्लस से कनेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये लेफ्ट साइड वाली हमारा प्लस होता है तो हम बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माइनस का कनेक्शन करते हैं। माइनस का कनेक्शन ये राइट वाली जो होता है वह माइनस के लिए होता है। अब क्या है यहाँ पर कि जब कभी हमारा जब लोड चलेगा तो बैटरी भी यहाँ पर चार्ज होगी। बैटरी का जो कैपेसिटी होता है जितना वाट का या जितना वोल्ट का हमारा सोलर पैनल है उतना ही रेटिंग का बैटरी भी लगाते हैं। अगर आप लोड भी कनेक्ट करते हो, अगर बैटरी भी कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पावर है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप सोलर पैनल की रेटिंग को ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ पर अगर आप लोड और बैटरी एक ही साथ चलाते हैं। तो अगर आप बैटरी चार्ज करते हैं फिर उसके बाद लोड चलाते हैं तो सोलर और बैटरी की रेटिंग समान होनी चाहिए। अब यहाँ तक बैटरी के साथ हमने सोलर का कनेक्शन कर दिया है। इसमें क्या होगा, जब हमारा सनलाइट रहेगा तब तो ये लोड भी चलेगा और बैटरी भी साथ होगा। जैसे ही सनलाइट या मौसम ख़राब हो जाएगा तो ये जो बैटरी चार्ज होगा वह इस लोड को देने लगेगा और वहाँ पर हम कांस्टेंट विदाउट इंटरप्ट का अपने घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये कंट्रोलर हमारा क्या होता है कि डीसी सप्लाई देता है।
ठीक है। तो जब डीसी सप्लाई देता है तो हमारा जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एसी पर चलता है और हम यहाँ से डायरेक्ट डीसी पर नहीं चला सकते हैं। गलती से हमने फैन ले लिया है, यहाँ पे कोई डीसी डिवाइस हो गया या बल्ब वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फैन जो है बेसिकली एसी पे चलता है, तो आप डायरेक्ट सोलर पैनल से एसी सिस्टम एसी पे चलने वाली चीज़ों को नहीं चला सकते। तो इसके लिए हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत होता है। तो अब हम मेन चीज़ को समझने वाले हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे। इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वर्टर को लाना पड़ेगा। तो हमने एक इन्वर्टर को ले लिया यहाँ पर और उसका कनेक्शन के लिए हमने एक मॉड्यूलर स्विच बोर्ड को ले लिया है, उसके बाद एक 3 पिन का टॉप ले लिया है और एक लाइट सोर्स भी ले लिया है ताकि कनेक्शन को समझने में आसानी होगी। इन्वर्टर का कनेक्शन हम बैटरी से करते हैं। इन्वर्टर का कनेक्शन अब हम बैटरी से करते हैं। इस इन्वर्टर में जो रेड वाली कलर दिख रहा है हमें वो बेसिकली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये माइनस वाली जो दिख रहा है वो बेसिकली बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगा। तो चलिए हम रेड वाले को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और माइनस वाले को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बैटरी के साथ इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया है। अब इन्वर्टर को हम लोड के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उसको समझना है। तो हम इस यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 पिन वाली प्लग, वो बेसिकली आउटपुट के लिए है। तो उसमें हम इस प्रकार का तीन पिन वाली प्लग को यूज करेंगे इसमें लगाने के लिए। अब इसकी आउटपुट को हम इसके बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलर बोर्ड से इसकी पॉजिटिव टर्मिनल को ले जाएंगे और इसी स्विच में जैसे हम नॉर्मल कनेक्शन करते हैं सबसे पहले स्विच के ये नीचे वाले इनपुट को कनेक्ट कर देंगे इनपुट से और इसके आउटपुट को लोड से कनेक्ट कर देंगे। जो माइनस वाला आएगा इसी से उसको हम माइनस से माइनस के लिए माइनस का कनेक्शन यूज करना चाहिए। तो इसके जो माइनस वाली आएगा उसको हम लोड के साथ डायरेक्ट दे देंगे यहाँ से, या इस माइनस को हम इधर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो माइनस कहीं से भी हम दे सकते हैं। वाला का स्विच बोर्ड में कनेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें क्या है, ये हमने रेगुलेटर का भी यूज किया यहाँ पर। तो रेगुलेटर के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्विच को हम फैन के लिए यूज करेंगे। तो इसके रेगुलेटर के जो इनपुट यहाँ से हमने इनपुट कनेक्ट किया है तो इसके आउटपुट को रेगुलेटर के इनपुट से दे देंगे। यहाँ इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसके आउटपुट को फैन से दे देंगे और इसका नेगेटिव हमने पहले से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वाली स्विच को हम चाहते हैं कि इस बल्ब को दे दे, तो यहाँ से इसके आउटपुट को हम इस बल्ब को दे देंगे और माइनस के लिए हम यहाँ से ही इसको दे देंगे, ठीक है। माइनस आप कहीं से भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप इसको माइनस को दे दो, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉकेट दिया गया है यहाँ पर, इसको हम बेसिकली दूसरा लोड को यूज करने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सॉकेट के लिए हम इस ये वाली स्विच का यूज करेंगे। तो इस स्विच को यूज करने के लिए क्या है कि इसकी जो आउटपुट है उसको एक टर्मिनल से इसके टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो जब इसके टर्मिनल से कनेक्ट देंगे कर देंगे और इसके नेगेटिव वाले को हम यहाँ से ले लेंगे, इसके नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये एक स्विच बोर्ड यूज हो जाएगा। तो नॉर्मली कनेक्शन अभी तक आपने समझ ही गया होगा कि हम सोलर का इन्वर्टर के साथ और लोड के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। अब हमारा आता है कि इसके साथ एसी सप्लाई को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कि इस इन्वर्टर में यहाँ पर जो एक टर्मिनल दिया हुआ है यह बेसिकली एसी सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो आप बेसिकली एक एमसीबी लेकर के आप इसका सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका कनेक्शन कर लेंगे और जो यहाँ से जो इनपुट एसी सप्लाई आएगा यहाँ पर आप एसी सप्लाई जो आएगा वो यहाँ पर हम एसी सप्लाई दे देंगे और इसके आउटपुट को हम स्विच चाहे जैसे भी हो स्विच बोर्ड के माध्यम से या डायरेक्ट आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसके आउटपुट को इस वायर से माइनस वाले को माइनस से और प्लस वाले को प्लस से इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है कि हमारा
एसी पैनल भी कनेक्ट हो गया है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि एसी को तभी ऑन करिएगा जब हमारा ये सोलर सिस्टम डाउन हो, तभी यूज करिएगा, अन्यथा यह बैटरी को ख़राब कर देगा। ठीक है, एक ही टाइम में एसी सोर्स और ये सोलर सोर्स को यूज नहीं करना है, एक बार में एक ही चीज़ें यूज करनी है, नहीं तो ये बैटरी डैमेज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। होप आप इस कनेक्शन को समझ पाए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।